नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BLI 224 की बुकलेट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्क कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। नेटवर्क्स के कंसेप्ट को समझेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है, और इसे क्लासिफिकेशन, इसके जितने भी क्लासेस बनी है या कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है नेटवर्क्स को, उसको देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे और नेटवर्क क्लासिफिकेशन, नेटवर्क के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा लोकल एरिया नेटवर्क लैन, उसका ओवरव्यू देखेंगे, मतलब लैन होता क्या है, कितनी तरह की टोपोलॉजीज बनती हैं, लैन टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे और लैन को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, उनके मेथड्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क, जिस तरह से लैन को हमने देखा लैन का ओवरव्यू, उसी तरह से वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें हम लोग उसके नेटवर्क टोपोलॉजीज यानी वैन टोपोलॉजीज को पढ़ेंगे, कितने तरह के स्विचिंग मेथड्स हैं, कितने तरह के एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस या हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है वैन के एक्सेस के लिए, उसको देखेंगे। लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी को समझेंगे और मेनली इसमें हम लोग वाईफाई या वाईमैक्स के जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपना जो पहला टॉपिक है नेटवर्क कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। नेटवर्क के कंसेप्ट्स को समझते हैं कि नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है, कंप्यूटर साइंस में या फिर हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन में अगर देखें तो अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एप्लीकेशंस अलाउ कम्युनिकेशंस। द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक्ड थ्रू केबल्स टेलीफोन लाइन्स और वायरलेस पॉइंट्स। जो लाइन यहाँ पे लिखी है इनका मतलब हुआ दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स, टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड लिंक टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। और उस कनेक्शंस का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होगा, हमने दो नेटवर्क्स को या दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट तो कर दिया लेकिन उनके कनेक्शन से हमें मिलेगा क्या, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, टू शेयर रिसोर्सेज, रिसोर्स को शेयर करने का, एप्लीकेशंस को शेयर करने का और अलाउ टू कम्युनिकेट, आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर सके ईजली। इस पर्पस से या इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करते हैं, या नेटवर्किंग जो होती है उसका जो बेसिक पर्पस होता है रिसोर्स की शेयरिंग का, एप्लीकेशंस का और ये कम्युनिकेशंस का। एग्जांपल लेते हैं, एक कंप्यूटर आप जो आपका घर है या आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वहाँ पे, और एक आपका जो ऑफिस है, स्कूल है, लाइब्रेरी है या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस में रखा हुआ कंप्यूटर है, अगर वो लोग आपस में कनेक्टेड हों तो आप अपने घर बैठे ही ये चीज़ें या अपना जो वर्क है या जो आपके रिसोर्सेज हैं वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस लॉकडाउन में जो 2020 का जो पेंडेमिक था उसमें जो कम्युनिकेशंस हुए एक जगह से दूसरी जगह या वर्क फ्रॉम होम जो काम हो पाया वो जस्ट बिकॉज इसलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि आपस में कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे या नेटवर्किंग हमने बना रखी थी पहले से ही, पेंडेमिक के आने से पहले ही चीज़ें आपस में इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड थी, कम्युनिकेशन हो रहा था, नेटवर्किंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए हम लोग घर बैठे ही ऑनलाइन चीज़ें कर पाए। या जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, वो आप तक इसलिए पहुँच पा रही हैं जस्ट बिकॉज कि मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो नेटवर्किंग है वो आपसे कनेक्टेड है, हम लोग के जो डिवाइसेस हैं जिस पे हम ये वीडियोस एक्सेस कर रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, जस्ट बिकॉज दिस कनेक्शन वी आर एक्सेस टू अवर यू आर एक्सेस टू माई वीडियोज, आप मेरी वीडियोज को इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोग आपस में नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड हैं। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको, बहुत सारे डिवाइसेस, ठीक है, कोई वर्क स्टेशन का हो सकता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, वो जस्ट आपस में इसलिए कनेक्टेड होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, सर्वर्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या जो फाइल्स रखी होती हैं आपस में एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस, ठीक है। और ये कनेक्शंस किस माध्यम से हो सकता है, थ्रू केबल, टेलीफोन लाइन्स और वायरलेस पॉइंट्स, ये सारे मेथड्स हैं या ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, ये सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो कितने तरह के नेटवर्क बन सकते हैं या कितने तरह के नेटवर्क अभी तक दुनिया में एक्सेस कर रहे हैं, ये इसका एक आप यहाँ पे जो चीज़ें देखेंगे, लगभग 11 तरह के कनेक्शंस हमारे पास हैं मेनली, लेकिन जो हम लोग जानते हैं जिनका हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है वो मेनली ये स्टार्टिंग के 5 कनेक्शन हैं, जिसमें हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ये सारे कनेक्शंस, ये जो नेटवर्क्स हैं
इनका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये हमारे काम की चीज़ें हैं, ये एक कॉमन मैन अपनी लाइफ में किसी न किसी लेवल पे इस्तेमाल करता है। इनके शॉर्ट फॉर्म्स से ही ज़्यादातर इनको जाना जाता है, जैसे पैन, लैन, डब्ल्यू लैन, मैन और वैन, ठीक है, ये सारे कनेक्शन। बाकी जो कनेक्शंस हैं या बाकी जो नेटवर्क्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके कोर्स का या सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं कि आप समझ लीजिए कि कितने तरह के नेटवर्क्स हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन टुडे, आज कितने तरह के नेटवर्क इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में ये लिस्टिंग है, लेकिन हमारे जो सिलेबस है या हम जो कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं उसके लिए ये स्टार्टिंग के 5 नेटवर्क्स ही हम लोग के लिए यूज़फुल हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं नेटवर्किंग करने का, एडवांटेज क्या होगा, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमने नेटवर्किंग की होगी, लेकिन वो नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या हैं, अगर हम नेटवर्किंग करेंगे तो उससे हमें क्या क्या लाभ होंगे उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा शेयरिंग का, हम कहीं भी किसी भी जगह से और किसी भी टाइम में रिसोर्स को, किसी भी फाइल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग इसका सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है या बहुत अच्छा एडवांटेज है नेटवर्किंग करने का। अगर आप कहीं से भी कनेक्टेड हैं, दो नेटवर्क्स, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो कहीं से भी कहीं भी किसी भी टाइम में किसी भी प्लेस में बिना ज्योग्राफिकल बाउंड्री के, बिना टाइम बाउंडेशन के एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्स को या इंफॉर्मेशन को, डाटा को या किसी भी डिजिटल कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है। रिलायबिलिटी, अगर आप नेटवर्किंग में हैं या आपका नेटवर्क कनेक्टेड है, आप किसी भी दो इंस्टीट्यूशंस को, दो कंप्यूटर्स को, किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया है, तो आप रिलायबल रहेंगे कि जो मेरे द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने डाटा शेयर किया है, वो उसी फॉर्म में पहुंचेगा जिस फॉर्म में मैंने आपको सेंड किया है, या वो पहुंचेगा इस बात की भी कन्फर्मेशन आपको रियल टाइम में मिल जाएगी। मतलब रिलायबल रहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा या जो भी कम्युनिकेशन मैंने पास आउट किया है आगे नेक्स्ट में, वो वहाँ पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा और उसी फॉर्म में पहुँचेगा जिस फॉर्म में मैंने किया था। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग पुराना टाइम याद करें जब नेटवर्किंग नहीं हुआ करती थी, तो कबूतरों से चिट्ठी भेजी जा रही थी या डाकिया डाक लेके जाता था। अब कबूतर से मैंने चिट्ठी भेजी और कबूतर को मैंने बोला था कि मतलब मैंने उसको इस तरह से ट्रेंड किया गया था कि आप यहाँ पे इस जगह पे ये मैसेज या ये चिट्ठी पहुँचाएगा, बट वो रिलायबल नहीं था। वो जाता था 70% 80% श्योर होता था कि कबूतर सही जगह पहुंचेगा, और अगर कहीं कबूतर ने एक जगह मिस्टेक कर दी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, तो चीज़ें गलत मैसेज पहुंच सकते थे, तो रिलायबिलिटी वहां पे थोड़ी कम थी। बट नेटवर्किंग के केस में आप यहां पे 100% श्योर होते हैं कि आपका नेटवर्क जिस भी जगह से जैसे भी कनेक्टेड है वहीं पर पहुँचेगा। सेविंग मनी, मनी सेव हो रहा है ऑब्वियसली, आपको बस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क बनाने के लिए उस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसी पे आपको वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट देना है, और अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट ठीक से कर लिया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया नेटवर्किंग का, उसके बाद आप अनलिमिटेड मैसेजेस, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स, अनलिमिटेड डाटा आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो सेविंग में काम आएगा, आपके मनी को सेव करेगा। स्केलेबिलिटी, आप इसको जितना ज़्यादा स्केल पे, मतलब जितने ज़्यादा लेवल पे बढ़ाएंगे, उतनी ही कम कॉस्ट आएगी और उतना ही इफ़ेक्टिव ये जो नेटवर्किंग है वो काम करेगा। स्केलेबिलिटी का मतलब हुआ, आप जितने लार्ज स्केल पे इसको काम में लाएंगे नेटवर्किंग को, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके मनी सेव होगी, आपका टाइम सेव होगा, आपकी आपका जो डाटा है वो कंटेंट वो रिलायबल होगा, जो इन्फॉर्मेशन आप जैसे भी जिस फॉर्म में भेजेंगे उसी फॉर्म में आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन मीडियम, नो डाउट नेटवर्किंग होने से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज़ अभी जिस फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से अपने वर्क होम से कहीं से भी मैं काम कर रहा हूँ और आप तक ये वीडियोस पहुँच रही हैं, तो मैं आपको आपके एक कम्युनिकेशन का काम कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं वो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और कमेंट्स में या फिर किसी भी अन्य मेथड से आप मुझे उस चीज़ को रिप्लाई करते हैं कि सर ये चीज़ें क्लियर नहीं है, ये चीज़ें डाउट है, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। और आप ये किसी भी केस में दे सकते हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ में दे सकते हैं, फ्रेंड के साथ बात करने में दे सकते हैं, किसी भी काम में, किसी भी वर्क फ्रॉम होम में आप या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस मेथड में आप यहाँ पे कम्युनिकेशन देख सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी,
ये करने से, मतलब नेटवर्किंग करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हम कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं पहले की अपेक्षा, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रेवल करती थी, कम्युनिकेशन उनका नहीं होता था, जिसकी वजह से हो सकता था हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी स्लो रहा करती थी या हमारी लाइफ थोड़ी सी स्लो थी। बट कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से, और वो कम्युनिकेशन अच्छा इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज कि हमने नेटवर्किंग का सहारा लिया, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है। कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस वेस्ट। जैसा पहले बताया कि हम लोग बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत बड़े स्केल पे डाटा का, इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मतलब आज अगर मेरे पास कहीं पे 500 GB की या 1 TB का इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको मैं विद इन अ आवर, विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट्स, जो भी आप, जैसे भी आपकी कनेक्टिविटी डिपेंड करे, मैं एक जगह से दूसरी जगह, इंडिया में, इंडिया के किसी भी पार्ट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं भी आज ट्रांसफ़र कर सकता हूँ विद इन अ मिनट, आवर्स, जो भी हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। हेल्प यू लर्न एंड कीप यू इन्फॉर्म्ड। नेटवर्किंग की वजह से हम लोग अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं, जो भी नॉलेज या जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब पहुंचती है वो रियल टाइम में पहुंच रही है। अगर हम लोग अभी कोविड में जो प्रॉब्लम आई थी उसमें देखें तो हमें पर डे कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, क्या तैयारियां हो रही हैं, कहां पे क्या चल रहा है, वायरस का क्या नया फॉर्म आ रहा है, वो उन सब चीज़ों को हम लोग एकदम रियल टाइम में एक्सेस कर पा रहे थे। और ये रियल टाइम में जो एक्सेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन की आ रही थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग पहुँच रही थी। गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। डाटा को एक बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, डाटा जो हमारे पास पहुंच रहा है या डाटा जो हमारे पास आएगा वो बहुत डाइवर्स हो सकता है, और उस डाइवर्सिटी को समझने के लिए हम डाटा के स्पेशलिस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज़ किसी भी एक टॉपिक पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन वो बहुत वास्ट लेवल पे बिखरा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन बहुत वास्ट लेवल पे है, तो हम उस जनरल इंफॉर्मेशन को स्पेशलिस्ट, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो इस डाटा को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके पास भेज सकते हैं, और वहाँ से जो नॉलेज हमें या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इन्फॉर्मेशंस को लेकर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। इम्प्रूव योर एबिलिटी इम्प्रूव होगी। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रॉपर और रियल टाइम में पहुँचेगी तो हमारी एबिलिटी अच्छी होगी, हम रिस्पॉन्ड करने में या डिसीजन मेकिंग में हमारा काम बेस्ट हो सकता है। हेल्प ऑटोमेट एंड मॉनिटर। ओके, ऑटोमेशन या मॉनिटरिंग करना, मतलब ऑटोमेशन का मतलब काम अपने आप से हो, ठीक है, मैनुअल वर्क कम हो और मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो, वो काम कर सकते हैं हम लोग नेटवर्किंग के माध्यम से, और मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है। हमने किसी काम को किसी को असाइन किया है उसका हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि ये जो वर्क दिया गया था या जो ये टास्क था वो कितना कंप्लीट हुआ और किस लेवल पे चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमें मिलेंगे अगर हम लोग नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। नेटवर्क्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास लगभग 11 तरह के नेटवर्क्स थे, लेकिन मेनली हम लोग ने जो देखे थे उसमें हमारा नेटवर्क था लैन, मैन, वैन, पैन, और यहाँ पे अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। अच्छा, हम लोग नेटवर्क्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तीन मेन क्लासेस हमने देखी बना रखी हैं। अगर हम देखें नेटवर्क को उसके साइज़ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन कहते हैं, तो अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें नेटवर्क के, तो उसको हम लोग बना सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें, ठीक है, अभी हम लोग ये लैन, मैन, वैन, इसको हम लोग ब्रॉडली कंसेप्ट में देखेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू कनेक्शन यूज़ देखें तो हम इसको तो दो भाग में बांट सकते हैं, या तो वायर्ड कनेक्शन होगा या वायर्ड नेटवर्क होगा या तो वो वायरलेस नेटवर्क होगा। और अगर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन रिलेशनशिप नेटवर्क आर्किटेक्चर पे अगर हम लोग देखें, उस बेसिस पे देखें, तो वहाँ पे दो तरह के नेटवर्क बनेंगे, पहला होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क और दूसरा होगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। लैन, मैन, वैन, पैन, ये चीज़ें वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इनके बारे में भी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, अगर हम लोग सबसे पहला अपना जो टॉपिक उठाएं वो देखें कि साइज़ ऑफ द नेटवर्क। अगर हम लोग नेटवर्क के साइज़ के हिसाब से देखें तो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क आएगा, और हम लोग इनको
और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिट एरिया सच एज रेसिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस। लोकल एरिया नेटवर्क यूज स्विचेस, ब्रिजेस एंड रिपीटर्स एंड हब टू इंटरकनेक्ट लैंस एंड इंक्रीज ओवरऑल साइज। किसी भी एक छोटे से एरिया को लोकल, है ना, लोकल वर्ड आ रहा है सबसे पहले, किसी भी एक छोटे से एरिया को, एक स्कूल को, एक यूनिवर्सिटी को, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपस में कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी में होंगे, आप कॉलेजेस में होंगे या आपने स्कूलिंग जब अपने स्कूल से की होगी तो अलग अलग रूम्स होते हैं, क्लासरूम्स अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी के अगर लेवल पे आप बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह पे, हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट है, ज्योग्राफी का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, मैथ्स का अलग है, साइंस का अलग है, लाइब्रेरी साइंस अलग है। तो अब पूरी यूनिवर्सिटी चाहती है या पूरी यूनिवर्सिटी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने की ज़रूरत है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम बचे, टीचर्स का टाइम बचे और चीज़ें बेस्ट लेवल पे परफॉर्म की जा सके। उसके लिए हम चाहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी का जो कनेक्शन है वो आपस में कनेक्ट हो जाए। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन से कनेक्ट हो जाए, हिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो ज्योग्राफी से कनेक्ट हो जाए, मतलब आपस में कनेक्शन डेवलप हो जाए। और इस तरह के लोकल कनेक्शन को डेवलप करने के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं और इस लोकल एरिया नेटवर्क्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विचेस का, क्या होते हैं आगे देखेंगे, ब्रिजेस, रिपीटर्स और हब्स। इन सब की मदद को लेकर हम छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए अभी हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू में जो लोकल कनेक्शन होगा वो सबसे छोटे लेवल पे होगा, किसी एक बिल्डिंग को, ठीक है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को, किसी एक स्कूल को, अगर हमें वहाँ पे जितने कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। आगे जब वैन पढ़ेंगे तो उसमें और देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन जो वर्ड आएगा उसे ध्यान में रखिए कि एक ही शहर के अंदर, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे हम लोग अब जानते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब हुआ कि किसी एक सिटी को आपस में कनेक्ट करना है। सिटी का मतलब सपोज करिए एक सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऑफिसेज हैं, अब उनको आपस में, उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो नेटवर्किंग बनेगी, नेटवर्क बनाया जाएगा वो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पढ़ते हैं चीज़ें क्लियर होगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिंग टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स और कैंपसेस नेटवर्क टुगेदर बट विद इन अ टाउन और सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए या फिर दो शहरों को या एक ही शहर में, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में जो शहर है, टाउन है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया मैन आर लार्जली देन लोकल एरिया नेटवर्क्स बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। मैन आर यूजली कैरेक्टराइज्ड बाई वेरी हाई स्पीड कनेक्शन यूजिंग फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और अदर डिजिटल मीडिया। मैन कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर इन डायमीटर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, एक ही शहर के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, बहुत सारे स्कूल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये कैसे कनेक्ट होते हैं, इनका जो कनेक्शन होगा वो कैसे बनेगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल से, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था। हाई स्पीड डाटा ट्रेवल करता है, लाइट की स्पीड से डाटा जाता है, जीरो एक्यूरेसी मतलब जीरो डिफेक्ट के साथ, मतलब जितना डाटा आपने जिस भी फॉर्म में भेजा है वो वहां तक पहुंचेगा, ये इसकी मेन खास बात है। और इसमें देखो रेडियस 5 to 50 किलोमीटर, मतलब आपका जो एक शहर होता है, शहर की जो परिधि होती है, और अगर उसका देखें तो आज तो बहुत बड़े बड़े शहर हैं बट इससे भी बड़े शहरों को हम लोग अगर एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क का, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट आएगा वाइड एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन से भी बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया अगर हमें कवर करना है आपस में तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे वैन का। पढ़ते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ रिलेटिवली लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। टिपिकली अ वैन कंसिस्ट्स ऑफ
many local area networks, they are connected network across cities, state or even countries. देखिए local area network किसी एक ही building को connect करने के लिए बना था. Metropolitan area network एक ही सिटी में जितने भी institutions है, organizations है, उनको connect करने के लिए बना था. और wide area network एक ही देश के अंदर बहुत सारे cities को, बहुत सारे states को connect करने के लिए बनाया गया जो network है वो कहलाता है wide area networks. अब देखिए बहुत सारे छोटे छोटे LAN हो सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वन, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर. अगर हम इन सब को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो ये खुद ही जो कनेक्शन बनेगा वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क का. मतलब अगर हम छोटे छोटे पॉकेट्स यानी लैंस को या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर दें आपस में, तो वो जो कंप्लीट पिक्चर बनेगी, जो ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया जाएगा, वो हमारा बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे इंडिया, इंडिया में हम एग्जांपल लें किसी भी इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि हम लोग इग्नू से पढ़ रहे हैं तो सपोज करिए इग्नू का ही बात करते हैं. इग्नू के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री. हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, हर जगह ऑलमोस्ट कोई ना कोई स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर अवेलेबल है. अब ये सारे अगर हमें कनेक्ट करने हैं आपस में, तो हमें किस तरह का नेटवर्क बनाना पड़ेगा? वाइड एरिया नेटवर्क. और जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, उनको अगर आपस में कनेक्ट कर दें और जो नेटवर्क बनेगा वो कहलाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट मिलता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया मतलब मेरा पर्सनल, आपका पर्सनल, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो नेटवर्क बनेगा, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क. समझने पहले अगर हम पिक्चर देखें, मेरा पर्सनल मोबाइल, मेरा पर्सनल हेडफोन, मेरा पर्सनल मोबाइल प्रिंटर, मेरा माउस, मेरा लैपटॉप, मेरा हेडफोन, ठीक है, मेरा मोबाइल, कोई भी जो भी मेरी पर्सनल डिवाइसेस हैं, अगर हम उन सबको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्ट कर दें, तो ऐसा जो नेटवर्क बनेगा या नेटवर्किंग जो होगी वो कहलाएगी पर्सनल एरिया नेटवर्क. डेफिनेशन देखते हैं. अब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेंटर्ड इन एन इंडिविजुअल पर्सनल वर्क स्पेस. अ पैन प्रोवाइड डाटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस. मेरी जितनी भी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और भी जो मेरी चीज़ें हैं, वो सारी अगर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं और मेरी ही चीज़ें, किसी और की नहीं, मेरा पर्सनल नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये सारा जो नेटवर्क बनेगा, ये जिस मेथड से कनेक्ट होगा वो कहलाएगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, ये था हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक का कनेक्शन या जो नेटवर्क बनता था उनके बारे में हमने डिस्कशन किया. अब टाइप ऑफ कनेक्शंस के अगर मेथड से देखें कनेक्शंस को, तो हमारे पास दो बनते हैं, एक तो बनता है वायर्ड और एक बनता है वायरलेस. बहुत इजी है समझने में, वैसे ही नाम से समझ में आ रहा है. वायर्ड नेटवर्क, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, दो कंप्यूटर को, दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर. अब वायर क्या होंगी, कैसे होंगी, वो अलग टॉपिक में आएगा, वो अलग डिस्कशन करेंगे हम लोग. लेकिन ये जो वायर से कनेक्शन बनेगा, उस कनेक्शन को या उस नेटवर्क को हम लोग कहेंगे वायर्ड नेटवर्क. और अगर ऐसा कनेक्शन बने जिसमें वायर का इस्तेमाल ना हो, वायरलेस हो जाए, तो वो कनेक्शन हम लोग कहलाएगा या वो नेटवर्किंग हम लोग कहलाएगी वायरलेस नेटवर्क. इसमें देखते हैं, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस यूजिंग केबल्स. केबल्स मतलब वायर, लाइक कोलेक्स केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल. ठीक है, अगर ऐसा कनेक्शन बनेगा तो वो वायर्ड कनेक्शन कहलाएगा. और अगर ऐसा कनेक्शन, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइसेज यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो ऐसा कनेक्शन हमारा कहलाएगा वायरलेस नेटवर्क. फंक्शनल रिलेशनशिप, नेटवर्किंग हो रही है और नेटवर्किंग की जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, किस तरह से वो काम कर रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग नेटवर्क का क्लासिफिकेशन देखें, तो हमारे पास दो तरह के कनेक्शन मिलते हैं. पहला बनेगा पीयर टू पीयर नेटवर्क कनेक्शन और क्लाइंट सर्विस नेटवर्क. ठीक है, ये दो तरह के नेटवर्क बनेंगे और इनको समझने के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसे बनता है. पहला है, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर मोर कॉमनली इम्प्लीकेटेड वेयर लेस देन 10 कंप्यूटर्स. इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट लाइन, लेस देन 10 कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व एंड देयर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी. जनरली कंप्यूटर इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स आर कॉन्फिगरेटेड टू शेयर कॉमन सोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
Work groups provide easy share of files, printers, and other network resources. It is designed for small LAN in home, school, and small businesses area. देखिए पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब हुआ किसी एक छोटे से एरिया में लेस देन 10 कंप्यूटर्स, 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है तो उस तरह का जो नेटवर्क हम लोग बनाएंगे फंक्शनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वो कहलाएगा हमारा पीयर टू पीयर रिलेशनशिप या पीयर टू पीयर नेटवर्क। और इस तरह के नेटवर्क अक्सर छोटे लेवल पे किए जाते हैं क्योंकि हमको क्या देखना है कि लेस देन 10 कंप्यूटर्स हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे के साथ और वो किसी सिर्फ एक छोटे से होम में, स्कूल में, ऑफिस में एक छोटा सा लैन हम लोग बना रहे हैं 10 नेटवर्क का, 10 कंप्यूटर्स का, उसके लिए हम लोग जो कनेक्शन बनाते हैं आपस में वो कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर्स सर्वर नेटवर्क। इसको देखेंगे अगर हम लोग तो क्या समझ में आएगा, इन दिस आर्किटेक्चर ईच कंप्यूटर और प्रोसेस ऑन द नेटवर्क इज आइदर अ क्लाइंट और अ सर्वर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर मोर सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। A central computer or a server act as a storage location for files and applications shared in the networks. Usually, the server is a higher than average perform computer. Client are PCs or workstation on which users run application. Clients rely on server for the resource such as files, devices and even processing power. आप थोड़ा सा अगर imagine करिए, ध्यान दीजिए कि आपके 10-15 कंप्यूटर हैं और बीच में कोई सर्वर कंप्यूटर है, वो सर्वर कंप्यूटर ही सारा काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज करता है, शेयरिंग करता है, बस बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं, जो बाकी के 10 या 15 कंप्यूटर्स हैं वो उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। सर्वर सारी सर्विसेज दे रहा है, स्टोरेज की सर्विसेज दे रहा है, शेयरिंग की सर्विसेज दे रहा है, प्रोसेसिंग की सर्विसेज दे रहा है और बाकी जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो सर्वर के क्लाइंट्स हैं वो अपना सारा काम उस सर्वर के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आप इस तरह के नेटवर्क को बनाते हैं किसी भी एरिया में ऑन द बिहाफ ऑफ, हमने जो ये देखा था फंक्शनल रिलेशनशिप, इसके बिहाफ पे, तो हम लोग इसको कहेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं, क्लाइंट यानी वो जो 10-15 कंप्यूटर हैं वो, और सर्वर यानी जो मेन सर्वर है हमारा जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं वो, अगर इस तरह कनेक्शन बनाते हैं तो वो कहलाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यहाँ पे अब हम लोग फिर से एक बार लैन को एक बार अच्छे से और उसका ओवरव्यू देखेंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि लैन की टोपोलॉजी को पकड़ें या पढ़ें कि टोपोलॉजी क्या होती है, लैन की जो टोपोलॉजी है वो क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं, एज यू नो द कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन अ रिलेशन रिलेटिवली स्मॉल एरिया देन इट इज द सिंगल बिल्डिंग और अ कैंपस इज नोन एज लैन। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इट कैन बी टू 1 किलोमीटर रेडियस। 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर आपको एक नेटवर्क बनाते हैं छोटा सा 10-15 कंप्यूटर्स का तो वो कहलाता है हमारा लैन। अब लैन का और भी कनेक्शंस या लैन की कितनी तरह की नेटवर्किंग की जा सकती है, उसकी कितनी तरह की टोपोलॉजी बनती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। टोपोलॉजी रिफर्स टू द शेप ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क का शेप कैसा है, जैसे अभी देखिए ये, अब आप इस, ये भी एक नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है, ये एक लाइन है मतलब मेन केबल है जिससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अब ये जो शेप बना हुआ है ये एक तरह का शेप है, एक तरह का शेप ये है, ठीक है, और एक तरह का शेप ये है। अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे लेकिन आप ये जो शेप्स देख रहे हैं अलग अलग, इसी शेप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी रिफर्स टू द शेप ऑफ नेटवर्क और अ नेटवर्क्स लेआउट, हाउ डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे आर कम्युनिकेट विद ईच अदर इज डिटरमाइंड बाई द नेटवर्क्स टोपोलॉजी। नेटवर्क्स यानी जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं आपस में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जो ये कनेक्शन बना हुआ है उसका जो शेप बना हुआ है वो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करता है। शेयरिंग कैसे हो रही है, कितने रिसोर्स का डाटा शेयर हो रहा है, कितनी स्पीड से डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर होगा वो डिपेंड करेगा नेटवर्क की टोपोलॉजी पे। और ये नेटवर्क की टोपोलॉजी कैसे बनेगी वो डिपेंड करेगा आपका इंस्टीट्यूशन कैसा है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह का नेटवर्क बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी टोपोलॉजी पे। लेकिन टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, शेप ऑफ अ नेटवर्क, उसका साइज कैसा होगा, सीधी लाइन में होगा, सर्कल होगा, स्टार होगा, या मेश एकदम से खिचड़ी बनी होगी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे जब तो वो पढ़ेंगे। इस तरह का जो शेप बनता है वो कहलाता है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज आर आइदर फिजिकल और लॉजिकल।
Some of the most common network topologies are bus, star, ring, tree and mesh. ये अलग अलग topologies के नाम हैं, bus topology, star topology, ring topology, tree topology और mesh topology. इनके बारे में भी हम लोग details में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे important point जो इस paragraph में था वो हमें देखना था कि जो networks का shape होता है, ठीक है, वो जो उसका function, जो geographical area connect करता है, वो जिस तरह का shape बनाता है वो कहलाता है उसकी topology. और ये topology बहुत तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है. सबसे पहले हमारे पास बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ लोकल सेंट्रल केबल कॉल्ड द बस और बैकबोन. अब यहाँ पे चाहे तो उसको बस कहिए, जो मेन केबल जुड़ी है ये रही, जो मेन केबल जा रही है, या तो उसको बस कह सकते हैं या तो उसको बैकबोन कह सकते हैं. द बस टोपोलॉजी कनेक्ट वर्क स्टेशन यूजिंग अ सिंगल केबल. ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वर्क स्टेशन इन द पॉइंट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट फैशन. अब आप देखिए, जो ये मेन केबल जुड़ी हुई है, ठीक है, इस मेन केबल से सब जगह डाटा का ट्रांसमिशन होगा. इस कंप्यूटर से लेकर इस कंप्यूटर से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें, हर जगह. क्योंकि ये मेन केबल जुड़ी हुई है तो इसको हम लोग मेन केबल बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बैकबोन, क्योंकि इसी से ऑलमोस्ट इसी से सब कुछ, एक जगह से डाटा दूसरी जगह जा रहा है. और ये जितने भी अलग अलग कंप्यूटर्स या वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं इनको हम लोग बोल सकते हैं ये यहाँ पे वर्क स्टेशन है जहाँ पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको ही मिले देखने के लिए, एक सिंगल केबल से वहाँ पे वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है बस टोपोलॉजी. नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी हम देखते हैं, स्टार टोपोलॉजी यूजिंग अ सेंट्रल हब थ्रू विच ऑल कंप्यूटर्स और कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड. इन अ स्टार टोपोलॉजी द सेंट्रल हब इज द होस्ट कंप्यूटर एंड एट द एंड ऑफ द ईच कनेक्शन इज टर्मिनेटेड एट शो इन द फिगर. ये देखिए हब है. हब का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब जैसे सब कुछ, एक दो तीन चार जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पे जुड़े होंगे वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, सब कुछ यहीं से, यहीं पे डिपेंड होंगे. बीच में जो आपका सेंटर या सर्वर बना रहेगा इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा. और क्योंकि इनका जो कनेक्शन देखिए स्टार की तरफ बना हुआ है, अगर यहाँ पे भी बना लें तो चारों तरफ से एक स्टार जैसा बन जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी. देखिए बस टोपोलॉजी, स्टार, मैश या ट्री, ये सब चीज़ ज्योग्राफिकली आप ध्यान में रखिएगा कि इनका जो शेप बन रहा है, जिस तरह से ये फिगर बन रहे हैं उस तरह से इनका नाम दिया गया है. जैसे ये रिंग ट्रोपोलॉजी, अब देखिए इसमें जो ट्रोपोलॉजी बनी है ये रिंग शेप में बनी है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है रिंग ट्रोपोलॉजी. पढ़ते हैं, इन रिंग ट्रोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच टू वन अदर इन द शेप ऑफ अ क्लोज्ड लूप. क्लोज्ड लूप, देखिए कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है, ये जो लूप बना हुआ है वो क्लोज है. सो दैट ईच डिवाइसेस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अदर डिवाइसेस वन ऑन आइदर साइड ऑफ इट. दैट इज द रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट वर्क स्टेशन इन अ क्लोज्ड लूप विच इज डिस्पाइटेड इन फिगर बिलो. ईच टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अदर टर्मिनल्स नेक्स्ट टू द अदर प्रीवियस विच द लास्ट टर्मिनल बिगन कनेक्टेड टू द फर्स्ट. बस यहाँ पे फिगर को समझाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. देखिए एक लूप बना हुआ है, क्लोज सर्किट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं. बीच में एक सर्वर कंप्यूटर या सर्वर भी जुड़ा हो सकता है जिससे ये सारे लोग अपना प्रोसेसिंग स्टोरेज का फंक्शंस ले सकते हैं. और देखिए जो ये कंप्यूटर है वो इससे भी कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है और ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है. मतलब इस तरह से एक क्लोज सर्किट बनाया गया है और रिसोर्स शेयरिंग के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस तरह के नेटवर्क्स को बनाया जाता है रिंग टोपोलॉजी में. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ट्री टोपोलॉजी. इस फिगर को देखने पर समझ में आएगा, मान लीजिए ये सर्वर है या हब है, इससे चार पांच कंप्यूटर जुड़े हैं, फिर इससे चार पांच कंप्यूटर जुड़े हैं, इससे चार पांच कंप्यूटर जुड़े हैं. मतलब जैसे पेड़ होता है, पेड़ की एक मेन स्ट्रीम आती है, उसके बाद जो तने निकलते हैं, फिर छोटी छोटी डहनियाँ निकलती हैं, उस मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया गया है या दिया गया है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी इज ए लैंड टोपोलॉजी इन विच ओनली वन रूट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर नॉड्स ऑन द नेटवर्क. द पैटर्न ऑफ अ कनेक्शन रिजेंबल एट अ ट्री इन विच ऑल ब्रांचेस स्प्रिंग्स फ्रॉम वन रूट. बिलो फिगर शो कंप्यूटर कनेक्टेड यूजिंग ट्री टोपोलॉजीज. सेम बात जो मैंने आपको बताई कि कोई मेन कंप्यूटर होगा, सर्वर होगा, उससे चार पांच कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, फिर अलग से होंगे और फिर अलग. और ये देखिए आपस में कनेक्टेड हैं, ये जो ये कनेक्शन आप देखेंगे ये आपस में मेन जो कनेक्शन होगा वो आपस में जो सर्वर्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे और डाटा का ट्रांसमिशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से आराम से हो सकता है. नेक्स्ट जो बनेगा टोपोलॉजी वो होगी मैश.
मैश का मतलब है कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन किससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, मतलब हर जगह से कोई ना कोई कनेक्शन किसी से बन रखा है या हो रखा है। अब इस तरह के कनेक्शन को कहीं कोई डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम मैश कनेक्शन या मैश नेटवर्क बना दिया गया है। डिवाइसेज आर कनेक्टेड विच मैनी रिडेंस्ड इंटरकनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क नॉड्स इन अ वेल कनेक्टेड टोपोलॉजी ईच नॉड हैज अ कनेक्शन टू एवरी अदर नॉड इन द नेटवर्क द केबल रिक्वायरमेंट आर हाई बट देयर आर अ रिडेंस पार्ट बिल्ट इन फेलियर इज वन ऑफ द कंप्यूटर डज नॉट कॉज द नेटवर्क टू ब्रेक डाउन एज दे हैव द अल्टरनेटिव पार्ट्स एंड अदर कंप्यूटर्स। ये मैश टेक्नोलॉजी की एक खासियत हो सकती है कि बहुत सारे कनेक्शन हैं, एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कोई एक सिस्टम अगर फेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि वो और भी अदर सिस्टम से या अदर नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, ये इसका एक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस चीज़ में पाथ को डिफाइन करना मुश्किल है, इस नेटवर्क में पाथ कि भैया कौन सा कहाँ से कैसे किस फॉर्म में कनेक्टेड है, ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन नहीं की जा सकती, इसलिए इसका नाम जो इसका जो फिगर बनता है वो उससे हम लोग उसको बोल सकते हैं मैश टोपोलॉजी। अब अगर हम लोग ने जैसे बात की थी कि नेटवर्क्स के कनेक्शन के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, तो वायरलेस कनेक्शन और वायरलेस में हमने देखा था वाईफाई और वाई मैक्स। अब हम लोग पहले देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्क या वायरलेस टेक्नोलॉजी या जो हम लोग वायरलेस के फॉर्म में कनेक्शन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होती है वायरलेस नेटवर्क्स बनाने में। Wireless communication is the electromagnetic transfers of information between two or more points that are not connected by an electronic conductor. The most common wireless technology use radio waves. One radio wave intended distance can be short, such as few meters of Bluetooth or as far as million of kilometer for deep space radio communication. वायरलेस टेक्नोलॉजी ने क्या रिवोल्यूशन लाया है हमारी सोसाइटी में कि हमें वायरलेस मतलब जो तारों का जाल रहता था कि हर चीज़ को कनेक्ट करने के लिए दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें तार चाहिए होते, तो उन चीज़ों को हमने अवॉइड करना शुरू किया। जैसे आजकल हम लोग देखें हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स आ चुके हैं, ब्लूटूथ हेडफोन आ चुके हैं, ब्लूटूथ माइक आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरलेस। वायर्स के बिना अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं, नेटवर्क्स जोड़ रहे हैं, मेरा जो मोबाइल है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से, लैपटॉप कनेक्टेड है वायरलेस वाईफाई से, राउटर से, ठीक है, और मेरे अदर डिवाइसेस, प्रिंटर मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, मेरे हेडफोन्स वाईफाई से कनेक्टेड है, मेरा चार्जर भी वायरलेस चार्जर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसने हमारे लाइफ को बहुत आसान किया। जो मेन इसमें डाटा कम्युनिकेशन होता है वो होता है रेडियो वेव्स में, रेडियो वेव्स की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डाटा ट्रांसमिशन होता है, और वो या तो ब्लूटूथ में दो मोबाइल आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक इसका ज्योग्राफिकल एरिया है, या फिर डीप स्पेस कम्युनिकेशन, हमारे जो रॉकेट्स या जो जैसे हबल टेलीस्कोप्स या जो हमारे कम्युनिकेशन टेलीस्कोप्स हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्पेस में, आउटर स्पेस में, वो आपस में अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी हम लोग के वायरलेस कम्युनिकेशन के ही माध्यम से हो पाता है। कोई टेलीस्कोप है या कोई सैटेलाइट है जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, स्पेस में वो राउंड कर रहा है, वो कैसे कनेक्टेड है हमारे अर्थ से, स्पेस स्टेशन से, वो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्टेड हुआ है। और अगर वायरलेस कम्युनिकेशन में देखें तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है वाईफाई का, ठीक है, वाईफाई। अब इसके वाईफाई के बारे में देखते हैं। वाईफाई इज़ अ फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बेस्ड ऑन द IEEE 802.11 फैमिली ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या है IEEE 802.11, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जो वायरलेस नेटवर्क्स पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है। ये नाम क्या है, यही नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे एक अलग स्टोरी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, इसलिए चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब करना मैंने ठीक नहीं समझा, बस ये आप ध्यान में रखिए IEEE 802.11 याद कर लीजिए, या मतलब ध्यान में रखिए कि क्या है। और ये चीज़ें जैसे आपको समझ में आए तो आपको पता होना चाहिए कि वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बात की जा रही है। विच आर कॉमनली यूज फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस एंड इंटरनेट एक्सेसेस। लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर हमें आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना है, इंटरनेट को कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे जो वाईफाई होता है ना कि भैया मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया या आप अपना वाईफाई ऑन कर लीजिए, तो वाईफाई हम लोग एक्चुअल में क्यों
ले रहे हैं, या वाईफाई का क्या यूज़ है? आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट को शेयर करना या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना। तो वाईफाई का इस्तेमाल हम लोग लोकल एरिया लेवल पे, लोकल नेटवर्क्स पे वाईफाई इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इट इज़ ऑफन सजेस्टेड दैट द वाईफाई मीन्स वायरलेस फर्टिलिटी। अब वाईफाई का फुल फॉर्म WI स्टैंड्स फॉर वायरलेस एंड FI स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। कंपेयर्ड विद द लॉन्ग एस्टेब्लिश ऑडियो रिकॉर्डिंग टर्म हाई फर्टिलिटी और हाई फाई। ठीक है, अब इसी के बीच में अगर हम लोग उसमें और आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में जाए तो हाई फाई यानी हाई फाई फर्टिलिटी इसके में आ जाएंगे। हाउएवर द ऑफिशियली द टर्म वाईफाई डिज नॉट मीन्स एनीथिंग, वाईफाई इज द ट्रेडमार्क ऑफ द नॉन प्रॉफिट वाईफाई अलायंसेस। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई थी वायरलेस फर्टिलिटी का, मतलब वाईफाई का जो मतलब हुआ रियल में वो हो गया वायरलेस फर्टिलिटी, और इसी के एडवांस वर्जन को हम लोग हाईफाई भी कह सकते हैं, बट मेनली कॉमनली वाईफाई टर्म ही इस्तेमाल होता है। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए लोकल एरिया पे। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वायरलेस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है वायरलेस में वो होती है WiMAX। WiMAX का मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबल ऑफ माइक्रोवेव्स एक्सेस। माइक्रोवेव्स और किस लेवल पे? वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम लोग माइक्रोवेव्स का जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए मेन हमारा एलिमेंट है उसमें अगर हम लोग काम करें तो वो कहलाता है WiMAX। इज अ फैमिली ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो चुका है। वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द IEEE 802.16, वही बात जो अभी हमने पीछे देखी थी। अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच प्रोवाइड मल्टीपल फिजिकल लेयर्स एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑप्शंस। WiMAX भी इंटरनेट के कनेक्शंस के लिए बनाया गया है, इंटरनेट को आपस में शेयर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे आ चुका है। वाईफाई का एरिया था लोकल एरिया पे छोटे मोटे डिवाइसेस को या आपस में छोटे एरिया को कनेक्ट करने के लिए, बट WiMAX का जो कनेक्शन है या जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है वो वाइडर है। द नेम WiMAX हैज़ क्रिएटेड बाई द WiMAX फोरम विच हैज़ फॉर्म्ड इन June 2001 टू प्रमोट conformity and interoperability of the standards including the definition for predefined system profile for communication vendors. The forum described WiMAX as a standard based technology enabling the delivery of last mile wireless broadband access as an alternative to cables and DSL. IEEE 802.16m or wireless max advance was candidate for the 4G in communication with the LTE advanced standards. ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को शेयर करने के लिए, जिसमें हम लोग मेनली 4G टेक्नोलॉजी या LTE टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं जो वायरलेस में आती है, उसके लिए हमने ये WiMAX का इस्तेमाल किया जो क्रिएट हुआ था June 2001 में। ध्यान रखने वाली बात क्या है, WiMAX का इस्तेमाल ऑल ओवर द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। WiMAX इज एन इनिशियली डिजाइन टू प्रमोट 30-40 megabytes पर सेकेंड डाटा रेट विद द 2011 अपडेट प्रोवाइडिंग द 1 Gbps या 1 GB फॉर फिक्स स्टेशन। अब इसका जो अपग्रेडेशन हुआ है WiMAX का, स्पीड्स को इंक्रीज किया गया है 2011 से इसकी स्पीड्स को और ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुँचाया गया, जिसमें 1 GB यानी 1 GB का डाटा आप एक सेकेंड में ट्रांसफ़र या शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये थी हमारी WiMAX टेक्नोलॉजी। हमने वाईफाई के बारे में देखा, वाईफाई और WiMAX दोनों जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने का। एडवांटेजेस क्या हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी का? कन्वीनियंस होगा, ऑब्वियसली आसान है, कोई तार नहीं लगाना है, कोई कुछ अलग से हमें कनेक्शन नहीं बनाना है, आप अपने आराम से बैठे बैठे जहाँ पे भी हैं वायरलेस या कंफर्टेबली आप एक दूसरे से जगह डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबिलिटी है, आप मोबाइल मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब आपको एकदम बंधे नहीं रहना कि जैसे चार्जर लगा दिया है मोबाइल चार्ज करके आप कुछ काम कर रहे हैं, मतलब तार कनेक्टेड है आपका, नहीं, आप फ्री हैं, आप मूवमेंट करिए डाटा अपने आप ट्रैवल होता रहेगा। प्रोडक्टिविटी हमारी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी अगर हम फ्री हैंड रहेंगे, डाटा हमारा विदाउट केबल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे हमने स्पीड्स देखा था 40 मेगाबाइट से बढ़ाकर हमने 1 गीगाबाइट तक स्टोरेज को पहुंचाया था या ट्रांसफ़र को पहुंचाया था, वो हमारी डेवलपमेंट हो रही है। एक्सपेंडेबिलिटी, डाटा और एक्सपेंड हो रहा है, एरिया और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, स्पीड और ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत सस्ता है, कोई केबल नहीं लगाना है, एक बार आप छोटा सा नेटवर्क आप डेवलप कर लीजिए और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपका जो कॉस्ट है वो लेस हो जाएगा। ये थे हमारे एडवांटेजेस। इस तरह से हमारा ये यूनिट नंबर 3, जिसमें हमने नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में देखा या समझा, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियोस समझ में आई होंगी, चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, प्लीज़ आपके लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अपने फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर वीडियोस को शेयर करिए। मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको अपने मेरे इसी चैनल वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।